भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने ऊना जिला में होने जा रही भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक का जायजा लेते हुए कहा कि 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी। उसके बाद 3, 4 और 5 फरवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऊना जिला में होने जा रही है और ये पहली बार है कि ऊना जिला के कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक शाम 6 बजे होगी, 4 फरवरी को प्रदेश पदाधिकारी बैठक के उपरांत कार्य समिति की बैठक प्रारंभ होगी जिसका समापन 5 फरवरी को होगा। बैठक में कई संगठनात्मक विषयों के बारे में चर्चा होगी और केंद्र एवं प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा की तैयारियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि इन सभी विषयों को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। 16 और 17 जनवरी को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसके बाद सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें हो रही हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 3, 4 और 5, जिसमें 3 तारीख को कोर ग्रुप की बैठक है, 4 तारीख को पदाधिकारी और 4 और 5 में कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बार ये बैठक ऊना में हो रही है और पहली बार जिला कार्यालय में ऊना में, क्योंकि जिला का हमारा जो कार्यालय है ऊना में बनकर तैयार हुआ है और इस बार पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम बैठक जो है अपने ऊना जिला के कार्यालय में करेंगे। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के क्या उत्तर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी हिमाचल प्रदेश के आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, इसके अलावा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी और श्री शांत पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी बैठक में उपलब्ध रहने वाले हैं। इस बैठक के दौरान विभिन्न विषयों के ऊपर संगठनात्मक और केंद्रीय और प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से और विभिन्न संगठनात्मक विषय, जिसमें कि लोकसभा तैयारी, लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से चाहे डाटा प्रबंधन की बात है, बूथ शक्तिकरण की बात है, लोकसभा प्रवास की बात है, अनेकों ऐसे विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही कार्यालयों को बंद करने का काम किया और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के ऊपर वैट बढ़ाकर जो आर्थिक बोझ डाला है, आज चाहे डीजल की कीमतों की बात करें या फिर हम जो खाने का तेल है उसकी बात करें, उसकी कीमतों में जिस प्रकार से इजाफा हुआ है और जो विभिन्न कार्यालय चल चुके थे उन कार्यालयों को बंद करना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से इस बैठक में हम लोग जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। बैठक में मैं समझता हूँ कि आगामी जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा और आने वाले समय में किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हम आगे बढ़े, उस दृष्टि से हम काम करेंगे।